बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विलेज वाला यूट्यूबर। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जी अहमद भाई और असलम भाई का जो मसला चल रहा है वो तो आपको पता ही है। काफ़ी लोगों ने उस बारे में वीडियोज़ बनाई हैं, कुछ लोगों ने बात को बढ़ाकर भी वीडियो बनाई हैं, कुछ झूठ बोला है व्यूज़ हासिल करने के लिए, कुछ गंदे गंदे थंबनेल लगाए हैं। तो मुझे खुद बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं किसी के बारे में भी कोई गलत वीडियो नहीं बनाता। आप मेरा चैनल चेक कर लें, एक एक वीडियो मेरे चेक कर लें और आप मेरी वीडियोस देखते भी होंगे। मैंने कभी किसी के बारे में कोई भी गलत वीडियो नहीं बनाई, ठीक है जी। तो आज अहमद भाई का मुझे कमेंट्स है कि भाई आप स्ट्राइक का वेट करें, आपने हमारे वीडियोज़ में एक क्लिप यूज़ किए हैं और आपने दूसरों से करवाए हैं। जी ये बात मैं मानता हूँ कि मैंने क्लिप यूज़ किए हैं, कोई 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, 15 सेकंड का मैंने किया है, ठीक है जी, ये बात मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने दूसरों से वीडियोस यूज़ करवाई हैं आपकी, तो मैंने ना ऐसा कभी सोचा है, ना ऐसा कभी किया है, ना करूँगा। तो अहमद भाई से मेरा एक ही सवाल है कि अहमद भाई आप कैसे कह सकते कि मैंने आपकी कोई वीडियो दूसरों से यूज़ करवाई है, आपके पास क्या सबूत है? हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि मैंने आपके क्लिप यूज़ किए हैं जो मैंने डिलीट भी कर दिए हैं, ठीक है जी, और मैं इस चीज़ की आपसे माजरत भी चाहता हूँ। लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आपके क्लिप दूसरों से यूज़ करवाए हैं या मैंने आपके बारे में दूसरों से कुछ गलत बातें करवाई? हज़ारों चैनल हैं और काफ़ी चैनल आपके बारे में वीडियोज़ बना रहे हैं, तो सबसे तो मेरा कॉन्टेक्ट नहीं होगा ना। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि आपकी वीडियोज़ किसी यूज़ करवाऊँ या आपके बारे में किसी से गलत बोलवाऊँ, मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा? मैं तो आपके बारे में अच्छी वीडियो बनाता हूँ तो भी व्यूज़ आते हैं, और अगर खाली वीडियो बना देता हूँ तो भी व्यूज़ आ जाते हैं। मैंने आपके बारे में कोई बुरी वीडियो तो कोई बनाई नहीं है, ना ही बनाऊँगा। आप भी मेरी वीडियो देखते हैं और आपने भी मेरी काफ़ी वीडियोज़ के नीचे कमेंट किए हुए हैं, शुक्रिया, थैंक यू, वेरी नाइस, आपने भी कमेंट किए हुए हैं। क्योंकि मैं कभी बुरी वीडियो बनाता ही नहीं हूँ किसी के बारे में भी, ना आपके बारे में ना किसी और के बारे में, ठीक है जी। तो आप लोग फैसला करें, आप लोग मेरा चैनल चेक करें, अगर आपको लगे कि मैंने अहमद भाई के लिए कोई भी गलत वीडियो बनाई है या असलम खान के बारे में या इस मामले के बारे में मैंने कोई भी फेक न्यूज़ या बात को बढ़ाकर मैंने वीडियो बनाई है, मैंने कोई ऐसी फालतू बातें की हैं, तो आप बेशक मेरे चैनल को रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी वीडियो सही नहीं लगती है तो आप मेरे चैनल को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, आप मेरा चैनल चेक कर लें। और अहमद भाई से मैं ये कह ही कहूँगा कि अहमद भाई मुझे कह रहे हैं कि आपने भाई दूसरों से मेरी वीडियोस यूज़ करवाई हैं, तो अहमद भाई ये आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने आपकी वीडियो किसी से भी यूज़ नहीं करवाई हैं। और बकाया जो है आप कुछ समझदार हैं, और मैंने जिन वीडियोस में आपकी क्लिप्स यूज़ किए थे वो मैंने वीडियोस हटा दी हैं। तो ऑडियंस से मेरी एक ही गुजारिश है कि मेरी चैनल का एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी वीडियो अहमद भाई के ख़िलाफ़ लगे, गलत लगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और मुझे पता तो चले कि मैंने आखिर गलती क्या की है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर कोई ऐसी गलत वीडियो बनाई ही नहीं है, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।